हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस जेके 247। आई होप गाइस आप सब जो हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो लास्ट सेशन में जो है हमने जेके हिस्ट्री के अंडर अफगान रूल को एक्सटेंसिवली कवर किया था। तो हमारे आज के सेशन का एजेंडा क्या रहने वाला है, सिख रूल इन कश्मीर। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप जो हैं जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने जो है हमारे जेके हिस्ट्री के लेक्चर्स मिस करे हुए हैं तो हमने क्या किया है, उनकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अंडर द टाइटल जेएनके हिस्ट्री। आप जो हैं उन लेक्चर्स को वहां से असेस कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिख रूल जो है कश्मीर में कब से कब तक रहा, फ्रॉम 1819 टू 1846। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो 27 ईयर्स जो है कश्मीर में सिख रूल रहा। तो जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अहमद शाह अब्दाली की डेथ जो है हो जाती है 1772 में। इसके इनकी डेथ के बाद जो है अफ़गान रूल है धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह जी क्या करते हैं, इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और 1814 एडी में महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी भेजी, कितनी, 30,000 सिख सोल्जर्स अंडर द कमांडर, कौन थे कमांडर उनके, गुलाब सिंह। तो इनकी बैटल कहाँ पे हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी की और अफ़गान रूल की जो आर्मी थी उनकी आर्मी की बैटल कहाँ पर हुई, शोपियाँ में। तो इस बैटल में क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह जीत जाते हैं और कश्मीर को अपने लाहौर दरबार के अंडर जो है एनेक्स कर लेते हैं। और कश्मीर को लाहौर दरबार में इंक्लूड इन्होंने कब किया, 1819 एडी है। 1819 एडी के बाद ही क्या हो जाता है, सिख रूल कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है और कब तक रहता है, 1846 एडी। क्लियर। तो 1934 के आते आते, जैसा आपने देखा कि पहले उन्होंने सिर्फ कश्मीर को ही कॉन्कर किया था, बट 1934 आते आते लद्दाख, ज़ंस्कार, बाल्टिस्तान को भी सिख जो है महाराजा रणजीत सिंह ने कॉन्कर कर लिया अंडर द कमांडर वज़ीर ज़ोरावर सिंह कहलूरिया। क्लियर। कश्मीर जो है उन्होंने कॉन्कर किया अपनी आर्मी भेज के, बट उस टाइम जो है आर्मी के हेड कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह। बट जब लद्दाख, ज़ंस्कार और बाल्टिस्तान को कंकर किया तो उस टाइम कमांडर कौन थे, वज़ीर ज़ोरावर सिंह कहलूरिया। सो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कश्मीर जो है सिख किंगडम, सिख रूल के अंडर कितने ईयर्स रहा, 27 ईयर्स तक। और इन्हीं 27 ईयर्स में जो है करीब कितने गवर्नर्स आए सिख रूलर्स के, कितने गवर्नर्स आए, 10 गवर्नर्स। अब बात करें अगर कि फ़र्स्ट गवर्नर की, फ़र्स्ट सिख गवर्नर कौन थे, आपने याद रखना है दीवान मोती राम जो थे पहले सिख गवर्नर थे और ये बहुत ही इनटॉलरेंट थे। इन्होंने क्या किया, जामा मस्जिद को जो है क्लोज कर दिया फॉर द पब्लिक प्रेयर्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, 1832 में क्या होता है, विक्टर जैक माउंट, ये कौन है, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं, ये कश्मीर में विजिट करते हैं, किया इन्होंने और क्यों, ताकि कश्मीर वैली का बोटैनिकल सर्वे कर सके। अगर हम इसको सम अप करें कि कश्मीर में बोटैनिकल सर्वे करने के लिए विक्टर जैक माउंट ने कश्मीर में विजिट किया कब, 1832 में। सो अगर हम जितने भी सिख गवर्नर्स की बात करें तो मोस्ट एबल कौन थे, मियाँ सिंह। मियाँ सिंह के गाइज आपको जो है इसके स्पेलिंग किनी किनी बुक्स में आपको MIAN में मिल जाएंगे और किसी बुक में जो है MEHAN मियाँ सिंह मिल जाएंगे। और ये बहुत ही एबल थे, दैट्स वाई इनको जो है टाइटल दिया गया कर्नल का। कर्नल मेहन सिंह ने ही क्या किया था, बसंत बाग को बिल्ड किया था। अब 1842 में जो है कश्मीर में, कश्मीर की थ्रोन पे सिख गवर्नर कौन आ जाते हैं, शेख गुलाम मोहीउद्दीन। और शेख गुलाम मोहीउद्दीन के टाइम पे ही राजा गुलाब सिंह जो कि एक डोगरा रूलर थे, इन्होंने कश्मीर को जो है अपना जम्मू के किंगडम के अंदर
मिलाने की सोची। तो अब जो है 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। क्लियर, डेथ कब हो जाती है, 1819 में जो है इन्होंने, रंजीत सिंह ने कश्मीर को किसका पार्ट बनाया, लाहौर दरबार का, और इनकी डेथ कब हो गई, 1839 में। अब शेख गुलाम मोहीउद्दीन के बाद जो है नेक्स्ट सिख गवर्नर कौन आ जाते हैं, शेख इमाम उद्दीन। और शेख इमाम उद्दीन जो है यही क्या है, लास्ट सिख गवर्नर है इन द थ्रोन ऑफ कश्मीर। क्लियर, लास्ट सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर के, आपने याद रखना है, शेख इमाम उद्दीन। सो जैसा मैंने आपको बताया कि दीवान मोतीराम ने क्या किया था, ये वो बहुत ही इंटॉलरेंट थे, तो उन्होंने जामा मस्जिद के जो है क्लोज कर दिया था फॉर पब्लिक प्रेयर्स। बट जो शेख इमामुद्दीन है, इन्होंने जामा मस्जिद के गेट जो है दोबारा ओपन, मतलब दोबारा जो है ओपन किए फॉर पब्लिक प्रेयर्स। और इन्होंने क्या किया था, शंकराचार्य टेम्पल को रिपेयर किया था और वहाँ पर नया लिंगम इंस्टॉल किया था। क्लियर, अब 1845 एडी में क्या हो जाता है, सिख की जो गवर्नमेंट है, सिख रूल में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और ये जो बैटल हुई इसमें सिख जो थे हार गए थे और ब्रिटिशर्स जो थे जीत गए थे। सो ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया सिख जो रूलर थे कि आप हमारे साथ क्या करो, ट्रीटी को साइन करो। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी इसमें मेडिएटर कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह। क्लियर, जैसे आप जानते हो कि ट्रीटी साइन होती है बट उसमें जो है मेडिएटर होते हैं, तो इस ट्रीटी में मेडिएटर कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह। तो ये मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया कि लास्ट सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर के, शेख इमाम उद्दीन। अब जो है हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि सिखों का जब रूल था कश्मीर में उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो सिख रूल के टाइम पे जो प्रोविंस थे वो परांगनास में डिवाइड किए हुए थे और हर एक परांगनास को ज़िला में डिवाइड किया हुआ था। क्लियर, तो अब जो है नाजीम कौन हुआ करते थे, गवर्नर, और साहिब-ए-कार जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। बट इनका काम क्या था, सिर्फ रेवेन्यू को सुपरवाइज करना, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, सिर्फ सुपरवाइज करना। और रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम है वो किसको दिया था, कानून को। अब यहाँ पे बात अगर करें, शिकदार, सजावुल और मुकद्दम, पटवारी, तहवीलदार, ये सभी जो हैं विलेज लेवल पे मतलब फंक्शन करते थे। सो आपने याद रखना है नाजीम कौन है, गवर्नर, साहिबी कार रेवेन्यू मिनिस्टर बट यस टू सुपरविजन, जस्ट फॉर सुपरविजन। तो कनुंगो कौन है, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। सो आई होप कि आपको लेक्चर जो है समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं पे बेस्ड कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर इन सिख रूल इन कश्मीर, कि सिख रूल जो था कश्मीर में उनके टाइम पे फर्स्ट गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए है दीवान चंद, ऑप्शन बी है मोतीराम, ऑप्शन सी है कृपा राम और ऑप्शन डी है शेर सिंह। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दीवान मोतीराम। ये मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट सिख गवर्नर कौन थे कश्मीर में, दीवान मोतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख रूल इन कश्मीर इज बिटवीन, ऑप्शन ए है 1819 टू 1846, ऑप्शन बी है फ्रॉम 1819 टू 1847, ऑप्शन बी है फ्रॉम 1818 टू 1846 और ऑप्शन डी है फ्रॉम 1818 टू 1847। सो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज फ्रॉम 1819 टू 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिख रूल इन कश्मीर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वन आफ्टर अनदर, कि जब सिख रूल था कश्मीर का उनके टाइम पे कितने गवर्नर्स आए। ऑप्शन ए है 15 गवर्नर्स, ऑप्शन बी है 18 गवर्नर्स, ऑप्शन सी है 10 गवर्नर्स और ऑप्शन डी है 12 गवर्नर्स। सो जैसा मैंने आप ही आपको बताया कि सिख रूल के अंडर जो है कितने गवर्नर्स आए थे, 10
गवर्नर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द सिख गवर्नर इन कश्मीर कृपा राम वॉज निक नेम्ड एज कृपा श्राइन ड्यू टू. एक सिख गवर्नर थे कश्मीर के, उनका नाम क्या है? कृपा राम. इनको जो है एक निक नेम दिया था, क्या था? कृपा श्राइन. अब क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा इनको निक नेम क्यों दिया था. सो ऑप्शन ए है हिज लव फॉर वाइन, ऑप्शन बी है हिज लव फॉर म्यूजिक, ऑप्शन सी है हिज लव फॉर बोटिंग एंड ऑप्शन डी है हिज लव फॉर डांस. सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता देती हूँ, हिज लव फॉर बोटिंग. तो गाइस जो भी सेक्शन में कुछ पॉइंट कवर नहीं हुए होते, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाए, उनको मैं MCQs में ऐड कर देती हूँ. तो ये भी आपने याद रखना है कि कृपा राम का निक नेम क्या था? कृपा श्राइन. और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जो था मतलब बोटिंग करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महाराजा रंजीत सिंह डाइड इन. अब हमने बताना है कि जो महाराजा रंजीत सिंह है उनकी डेथ कब हुई. ऑप्शन ए है 1833 AD, ऑप्शन बी है 1839 AD, ऑप्शन सी है 1847 AD और ऑप्शन डी है 1849 AD. सो गाइस करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 1839 AD. 1839 AD में जो है महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सिख गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर हैड वॉर विद द ब्रिटिश. कि कौन सी ईयर में जो है सिख की जो गवर्नमेंट है कश्मीर में उनकी वार हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ. ऑप्शन ए है 1840 AD, ऑप्शन बी है 1845 AD, ऑप्शन सी है 1850 AD और ऑप्शन डी है 1855 AD. सो गाइस आपने याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा. ऑप्शन बी 1845 AD में जो है सिख रूल चल रहा था कश्मीर में, सिखों पे अटैक किसने किया? ब्रिटिशर्स ने. और इस वॉर में जैसा मैंने आपको बताया कि सिख हार गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉज. कि लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर में कौन थे? ऑप्शन ए है मियां सिंह, ऑप्शन बी है गुलाब सिंह, ऑप्शन सी है शेख इमामुद्दीन और ऑप्शन डी है शेर सिंह. सो गाइस करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी, दैट इज शेख इमाम उद्दीन. सो गाइस आज के सेशन में इतना ही था. आई होप कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी. सो अगर आपको जो है चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें सेशन को, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल सक्सेस JK247 और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो. सो गाइस अगर आपको जो है किसी भी लेक्चर की, हमारे किसी भी लेक्चर की PDF चाहिए फ्री में, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है आप टेलीग्राम पे सर्च जब करोगे सक्सेस JK247 तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें. और PDF जो है मैं 10 PM से पहले अपलोड कर देती हूँ. तो टेलीग्राम पे जो है और भी हम कई तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं. सो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें. सो एंड करते हैं फिर सेशन को. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर.